देखो व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी खूबसूरत सी जगह पे क्या कर रही हूँ। जी हाँ, यहाँ पे हो रहा है कोलगेट पिक्चर पाकिस्तान एग्जीबिशन। इस एग्जीबिशन में बच्चों ने तरह तरह के मॉडल्स बनाए, तो इंतजार किस बात का, लेट्स चेक इट आउट। When we decided to have this contest, we were targeting 4,000 schools throughout Pakistan. बहुत अच्छा लगा। We were not expecting such a big response. हम लोग 5 थे, फिर हमने सबने मिलके मीनारे पाकिस्तान 10 दिन में बना लिया। एक्टिविटी शुरू की थी कि बच्चों की क्रिएटिविटी, उनकी ओरिजिनलिटी को सामने लाया जा सके। छोटे छोटे बच्चों ने इतनी मेहनत से इतनी अच्छी और इतनी जबरदस्त चीजें बनाई हैं, जो उसके माइंड में होगा वही वो बनाएगा ना। और मैं ये समझता हूँ कि ये रिवायत बहुत सेहतमंद है। उन बच्चों को आजकल पता ही नहीं होता कि उनका कल्चर क्या है। उनके दिल में ये चीज जरूर हुई है कि जी अपने कल्चर का हमें पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। इसमें जो पहला इनाम 50,000 रुपए का है वो एबाकस स्कूल ने विन किया है। कैसा लग रहा है आपको कराची आके? बहुत अच्छा लग रहा है। हम 2-3 चीजें लगा रहे थे तो फिर सारा मॉडल नीचे गिर गया, फिर हमने दोबारा उसे बनाया था। इसमें सब प्रोविंसेस का कल्चर शो किया हुआ है। बाकी मैं पूरे एक चीज का डिस्क्राइब हमें ये मिला था, मेरे साथ मेरे भाई भी थे, हम समझे थे कि हम ये बस नहीं बना पाएंगे। फिर माँ पापा ने बोला कि बनाना जरूरी है। कोलगेट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर प्रमोटिंग आर्टिस्टिक स्किल्स अमंग चिल्ड्रन। तो इस तरह से हमने बना लिया। प्रोग्रामर स्कूल की कुछ टीचर्स खड़ी हुई हैं जिन्होंने सेकंड प्राइज विन किया। चले आइए इनसे पूछते हैं इनके क्या तासुरात हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग यहाँ पर। बच्चों में इस तरह स्पिरिट पैदा होता है कि हम आगे बढ़ें। मैंने जितने भी ये पैसे हैं इसमें से हम कोलगेट खरीद कर रखेंगे ताकि ये जो दूसरा आएगा प्रोग्राम में हिस्सा ले सके। यहाँ पे हमारे थर्ड प्राइज विनर्स खड़े हुए हैं। बच्चों से पूछते हैं कि टीचर्स कोऑपरेटिव थे या नहीं? नो, नहीं थे, मीडियम थोड़ी सी की थी। ज्यादा तो उनकी अपनी ही मेहनत शामिल है। यस। टीचर्स ने बच्चों को सिर्फ आइडिया दिया? नो नो नो, बच्चों ने जाके उस पे काम किया। हम जिस चीज को गार्बेज समझ के फेंक देते हैं उस चीज को वो किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी के तौर पर। मेरे दिल में अब ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि नेक्स्ट टाइम हम इससे भी अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं। इन तमाम मॉडल्स को जज करने के लिए हमारी हायर मैनेजमेंट ने एक एक्सटर्नल सोर्स के बारे में सोचा और सब मुत्तफिक हुए एक ही नाम पर, जो कि थी मिस फरिया रजा खारून। आई थिंक डिटेलिंग, क्रिएटिवनेस एंड हार्ड वर्क, बेसिकली ये है कि पाकिस्तान का कल्चर डिपिक्ट हो उसके अंदर। और ये एक बहुत अच्छी रिवायत कायम हुई है, बहुत सेहतमंद रिवायत कायम हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि इसको जारी और सारी रहना चाहिए।